कहानियों में जादूगरों के किस्से तो सुने थे, मगर रावलपिंडी में एक ऐसा फनकार आ गया है जो हिप्नोटिज्म की साइंस लड़ाकर देखने वाली हर आंख को अपने शहर में जकड़ लेता है। साइंस और मंतक के इस्तेमाल से इस फनकार ने एक खातून के दिमाग को ऐसा जकड़ा कि वो हरी मिर्च को स्लांटी समझ के खा गई। इसके जरिए अपनी बॉडी में, अपनी थॉट्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस लाई हैं। जब मैंने मिर्ची खाई तो उसका टेस्ट मुझे बिल्कुल स्लांटी जैसा लगा था और अभी भी मुझे उसका टेस्ट जो है वो फील हो रहा है। कमर से सहारा निकाल देने पर सर और पांव के बल नौजवान को लिटाया और इस पर फिर 50 किलो का एक और नौजवान भी बिठा दिया, मगर दिमाग को ऐसे काबू किया कि वो नौजवान बदस्तूर बिना कमर के सहारे लेटा रहा। हिप्नोसिस कोई काला जादू या अमलियात को इस तरह के मामले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हिप्नोसिस इज अ साइंस। इसे लोगों के इलाज के लिए, उनकी पीक परफॉर्मेंस के लिए, उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अकल वहाँ दंग रह गई जब सर, माथे और गर्दन जैसे इंतहाई हसास जिस्मानी अज़ाब पर भी सुइयां चबोई गईं और किसी को दर्द महसूस होना तो दूर की बात, उल्टा एहसास सुकून महसूस होने लगा। हिप्नोटिज्म पीक परफॉर्मेंस की एक ऐसी साइंस है जिसके जरिए इंसान मनफी सोचों को शिकस्त देकर मस्बत सोचों के जरिए जिंदगी के अहम मकासद को पा सकता है और खौफ, तोहमात और बुरी आदत को बदल सकता है। कैमरामैन रहील कुरैशी के साथ सादिया राफे, डॉन न्यूज़, रावलपिंडी।